तो देखिए सुबह की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 90 तक स्टार्ट किया था और अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से। चलिए उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और धीरे धीरे आप तैयारी पर बढ़ रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन क्या है, आप सभी के पास बुक होनी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 में देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, दिया हुआ है a अपॉन 3, ठीक है, और b अपॉन 2, निकालना है 2a + 3b / 3a - 2b, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए a का मान कितना जाएगा यहाँ से 3 और b का मान कितना जाएगा 2। देखिए a का मान 3 कैसे हुआ, b का मान 2 कैसे हुआ, आप इसको कैसे लिखेंगे, a ये b इसके नीचे लेके आएंगे, ठीक, ये 3 ऊपर लेके जाएंगे, तो 3/2, फिर भी वही बात पड़ेगी, a का मान 3 और b का मान 2। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो नीचे लिखा होगा वही a का मान होगा, जो ऊपर सॉरी जो नीचे लिखा होगा वही b का मान होगा। a = 3 b = 2, 3 और 2 को यहाँ के सोल्व कर लेंगे, 2 × a का मान कितना 3, बीच में प्लस 3 × b का मान 2, ऐसे यहाँ 3 × a का मान कितना 3, बीच में -2, b का मान कितना 2, कितना जाएगा 6 और 6 ऊपर कितना जाएगा आपका 12, नीचे 9, 2×4, 9 में 4 कितना जाएगा 5 और 12/5 आपका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 92। क्वेश्चन नंबर 92, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्वेश्चन आपको समझ आते हैं नहीं आते हैं, ठीक है। मुझे हर वक्त डाउट रहता है कि आपको क्वेश्चन समझ आ भी रहे हैं नहीं, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते हैं, 3-4 सेकंड का वक्त लगता है कमेंट करने में। क्वेश्चन नंबर 92, देखिए 92 में क्या कहा गया है, 92 अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अलग से मार्क कर लीजिएगा अपने नोट्स में, इम्पोर्टेंट। देखिए दिया हुआ है x = 4ab / a + b और निकालना है हमें x + 2a / x - 2a + x + 2b / x - 2a, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है, देखिए आपको एक चीज ध्यान देनी है, x + 2a कितना, x + 2a, x - 2a, x + 2b, x - 2b। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, जो गिविन चीज है, गिविन है, हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको पहले वीडियो में भी करा चुका हूं, मेरे याद नहीं है कौन से पार्ट में था, करा चुका हूं, लेकिन फिर भी देख लीजिए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। देखिए x बराबर दिया हुआ है 4ab / a + b, अब यहां पे देखिए जो हमें निकालना है +2a - 2a, यहां से ही ध्यान रखना है, इसको देखिए अब जरा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 4 को 2 × 2, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, a को इसके साथ और b को इसके साथ और नीचे a + b = x, ठीक है। देखिए ये 2a, ये 2a उठ के यहां नीचे आ जाएगा, कहा जाएगा नीचे, तो x / 2a = 2b / a + b, 2a नीचे आ जाएगा, 2b / a + b। अब यहां पे ध्यान रखना है आपको, एक रूल होता है योगांतर अनुपात, योगांतर अनुपात, ये रूल यहां पे अप्लाई होगा, योगांतर अनुपात का नियम, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये रूल हम यहाँ पे लगाएंगे। लगेगा कैसे, ध्यान से सुनिएगा, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये लगता कैसे है। देखिए जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है, अच्छा पहले यहां देखिए प्लस टू ए, तो जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है इसको हम क्या करेंगे, ऊपर जोड़ देंगे, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, 2a जोड़ दिया, इसको ऊपर जोड़ दिया और इसी को 2a को ही ऊपर वाली वैल्यू से क्या कर देंगे, नीचे घटा कर लिखेंगे, क्या किया मैंने, ऊपर वाली वैल्यू में ये नीचे वाली वैल्यू जोड़ दी, फिर
ऊपर वाली वैल्यू में से ही ये वाली वैल्यू मैंने क्या की, घटा दी। तो जो चेंज हमने इधर किया इस साइड, वही चेंज हम इधर करेंगे। तो क्या करना होगा, 2b ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू को जोड़ देंगे और ऊपर वाली वैल्यू से ही नीचे वाली वैल्यू क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। ठीक है, ये यहां से अलग है। ठीक, देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस टू ए अपॉन x माइनस टू ए, बी टू बी वन बी थ्री बी और प्लस के ए। ठीक है, b 2b है, ये माइनस है, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो 2b 2b में से b जाएगा, कितना बचेगा b माइनस के कितना जाएगा a। उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से मैं x प्लस टू बी और अपॉन x माइनस टू बी इसकी वैल्यू निकालूंगा। तो देखिए x प्लस टू बी एक्स माइनस टू ए, देखिए ए की जगह क्या है, बी, ए की जगह क्या है, यहाँ पे बी है, ए के स्थान पर क्या है, बी, ए के स्थान पर बी, तो जहां पर भी ए है वहां पे रख देंगे बी, थ्री, जहां पर भी बी है वहां पे रख देंगे ए, और जहां पर ए है वहां पे रख देंगे बी, ए बी। उम्मीद है आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ चुकी होगी, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ चुका होगा। अब बहुत सिंपल हो जाएगा हमारे लिए क्वेश्चन, इतना हम कर चुके, अब मैं समझाता हूं आपको, यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन एक एक बात आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए इसकी वैल्यू निकाल चुका हूं, इसकी वैल्यू निकाल चुका हूं, देखिए इसकी वैल्यू थ्री ए सॉरी थ्री बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, बी माइनस ए ये वैल्यू रखेंगे, प्लस थ्री ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। क्लियर यहां तक आपका? चलिए अब देखिए इनमें डिफरेंस कितना है, यहां बी माइनस ए और यहां ए माइनस बी, केवल यहां ए माइनस है, यहां ए प्लस है, बी यहां प्लस और बी यहां माइनस, केवल माइनस का अंतर है। क्या करेंगे, अपने पहले बहुत से क्वेश्चंस में और पहले फ्यूचर में पहले जहां पढ़े होंगे किसी क्वेश्चन में जरूरी चीज की होगी। देखिए थ्री बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, मैं यहां से क्या करता हूं, मैं यहां से माइनस कॉमन लूंगा, क्या लूंगा माइनस कॉमन, जब वो माइनस यहां आएगा तो माइनस प्लस क्या कर देगा माइनस, मैंने यहां से क्या किया माइनस कॉमन लिया, वो माइनस किसे कर देगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ऊपर तो यही रहने वाला है, नीचे क्या हो जाएगा, जो माइनस का है वो हो जाएगा प्लस का और जो प्लस का हो जाएगा माइनस का। अब ये और ये एलसीएम सेम आ जाएगा इनका, कितना होगा हमारे पास एलसीएम बी माइनस ए, ऊपर क्या लिखेंगे हम थ्री बी प्लस के ए माइनस, अब देखिए माइनस के थ्री ए और प्लस माइनस माइनस के बी। ठीक, अब देखिए क्या होगा यहां पे हमारा थ्री बी और माइनस बी, थ्री बी में से बी जाएगा, यहां पे देखिए आपको दिख रहा होगा, यहां पे देखिए ध्यान से देखिए, थ्री बी में से बी जाएगा कितना बचेगा टू बी, कितना बचेगा टू बी, ए में से थ्री बी जाएगा कितना बचेगा माइनस के टू ए अपॉन बी माइनस ए, कितना बी माइनस ए, यहां भी टू यहां भी टू, ऊपर से टू कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा b माइनस ए और नीचे b माइनस ए, b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल, कितना जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डाउट है टू इसका आंसर आ चुका है, इसी क्वेश्चन को आप दोबारा से वीडियो को चला के देख लीजिएगा, क्वेश्चन आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेंथी जरूर है लेकिन क्वेश्चन का एक एक स्टेप मैंने तिनके की तरह क्लियर कर दिया है, आपको समझ में आ जाएगा, यही एक तरीका है मेरी नजरों में। बाकी आपको अगर कोई इससे अच्छा तरीका पता था उससे भी कर सकते हैं और मुझे भी सिखा सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके मैं इसको उठाता हूं यहां से। देखिए क्वेश्चन नंबर 93, देखिए 93
93 में क्या कहा गया है, 1 अपॉन x प्लस y बराबर है 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y, और वैल्यू निकालनी है हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। देखिए फिर से वही टाइप का क्वेश्चन जैसे कि भी किया था थोड़ी पहले, मतलब सुबह के वीडियो में, इसका फॉर्मूला होता क्या है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है इसका। चलिए मेरा क्या मतलब था बताने का, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, वाई यहाँ पे आएगा, एक्स यहाँ पे आएगा और नीचे के नीचे एक्स वाई, तो यहाँ पे कितना है एक्स प्लस वाई, इधर कितना जाएगा वाई ऊपर जाएगा वाई, एक्स ऊपर जाएगा नीचे के नीचे एक्स वाई, इसकी यहाँ कर देंगे, इधर कितना जाएगा एक्स वाई, इसकी यहाँ करेंगे, देखिए एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स बात यही है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई, और ये बन जाएगा 2xy, ठीक। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब इस xy को उठा करके मैं इधर लेके जाऊंगा, तो ये xy इधर प्लस है, इधर जाके जाएगा माइनस, तो कितना बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2xy माइनस के xy बराबर 0, क्या बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ये घट जाएगा आपस में, कितना बचेगा प्लस के xy बराबर कितना 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 0। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई आया हुआ है साथ में, यहां से एक्स माइनस वाई इंटू इसकी जगह हम क्या रख देंगे, यहां से उठा के क्योंकि हमने वैल्यू निकाली यहाँ पे, ये आएगी 0, 0 इंटू दिस इज इक्वल टू 0, और फाइनली इसका आंसर क्या जाएगा हमारा 0। इजी है। चलिए नेक्स्ट नोट कीजिए, 93 हो गया, 94 क्या है हमारा, 94 2x माइनस वाई अपॉन x प्लस टू वाई बराबर 1 अपॉन 2, और 3x माइनस वाई अपॉन 3x प्लस वाई, इसकी वैल्यू हमें यहां से निकालनी है। देखिए करना क्या होगा, सबसे पहले 3x माइनस वाई अपॉन 3x प्लस वाई हमें निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस x इस y की वैल्यू निकाल लूं, कहां से, जो ये गिवन कंडीशन है हमारी, गिवन इक्वेशन है, इसकी हेल्प से x y की वैल्यू निकाल लूं और वो यहां रख के सॉल्व करूंगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा। अब देखो करना क्या होगा, इसके लिए गिवन को ही ले लेते हैं, ये जो पूरा लिखा हुआ है 2x माइनस वाई इसकी वैल्यू 1, x प्लस 2y इसकी वैल्यू 2, ठीक। देखिए 2x माइनस वाई बराबर 1 और x प्लस 2y बराबर 2। अब छठी सातवीं क्लास में हमने ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था, आपने भी सीखा होगा मुझे यही उम्मीद है। यहां से x की वैल्यू निकालूंगा और y की वैल्यू निकालूंगा, अब देखिए कैसे निकलेगी, यहाँ पे क्या है 2x, यहाँ पे क्या है 2x, और यहाँ क्या है x, तो मैं क्या करूंगा इस पूरी इक्वेशन में 2 से क्या करूंगा मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया हमारा 2x, क्या हो गया ये 2x, यही पे लिख लेता हूँ नीचे इसके 2x, 2 दुनी कितना 4y और बराबर 2 दुनी कितना, ये जाएगा हमारा 4, ठीक है। अब देखिए यहां इसको कर दूंगा मैं माइनस, इसको भी कर दूंगा माइनस और इसको भी कर दूंगा माइनस, मतलब मैंने आपस में इन्हें घटा दिया है, क्या कर दिया है घटा दिया है, तो यहां ये 2x से माइनस के 2x, ये प्लस के 2x, ये माइनस के 2x कैंसिल, माइनस के y और माइनस के 4y कितना जाएगा माइनस के 5y, इधर 1 में से 4 घटेगा माइनस के 3, माइनस से माइनस करता हूं तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी निकल के 3 अपॉन 5, 3 अपॉन 5 y की वैल्यू आई,
x की वैल्यू कैसे निकालेंगे इस गिवन इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यहाँ पे y के स्थान पर कितना रख देंगे 3/5, तो 2x माइनस 3/5 इज इक्वल टू 1, इधर ले जाएंगे 2x, इधर माइनस इधर आके प्लस, तो 1 + 3/5 सॉल्व कर लेंगे, 5 × 5 और 3 8, 8/5 2x, 2 से काट देंगे 4 बार, 4/5 आएगा 5, तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 4/5, x की वैल्यू हमारे पास है, y की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे रखेंगे सॉल्व कर लेंगे 3, x का मान कितना 4/5 माइनस y का मान कितना 3/5, ऐसे 3 × x का मान 4/5 प्लस 3/5, देखिए सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 12, एलसीएम कितना जाएगा 5, तो 5 4 तिया 12 माइनस कितना 3, ऐसे ही 4 तिया 12 प्लस 3 और एलसीएम कितना 5, 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 9, यहाँ पे कितना जाएगा 15, 3 तिया 9, 3 × 5 = 15, 3/5 आपका क्या जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है, जल्दी से नोट कीजिए।